हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखो, फिलहाल तो सुबह हो गई है और अभी उठे हैं, तो पहले पी लेते हैं चाय। तो अभी चल के रसोई में से चाय लेते हैं और चाय पीते हैं। तो चलो चाय लेके आता हूँ मैं। तो दोस्तों ये आ गई अपनी चाय, चाय पीते हैं और फिर चाय पीने के बाद नहाएंगे धोएंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं महाबलेश्वर धाम पे और अभी चलते हैं और देख के आते हैं महाबलेश्वर धाम में। और देखो मेरे देखते हैं, आप देख रहे हो कहाँ से झरना आ रहा है। देख सकते हो बहुत ही शानदार नजारा हो रखा है, बहुत ही मस्त लोग आ रहे हैं। जैसे फिर हमारा धन्ना भाई भी आए। वैसा सुंदर भाई हमारे जो आनंद ले रहे हैं नहाने का, बहुत ही मस्त। वो उधर सागर में सागर भाई हमारे उधर, और मेरा भी क्या है कि मन कर ही रहा है नहाने का, तो मैं भी थोड़ी देर में नहाऊंगा। दोस्तों हम देखो नीचे से चढ़ते हुए और यहाँ ऊपर तक आ चुके हैं, और अभी इसके आगे भी बहुत आगे वो है, बहुत आगे तक है। और ये देखो पूरा कम से कम आधा किलोमीटर की रेंज में पानी पानी है यहाँ पर। तो भाई साहब देखो पानी में से चल के जाना पड़ रहा है, और बीच बीच में पत्थर है, पत्थरों के ऊपर से चलते हुए। और पानी का शोर शराबा तो आप सुन ही रहे होंगे, देखो बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त नज़ारा है। और ये हमारे भाई साहब सागर भाई, और ये भाई साहब सागर भाई और लग गए देखो वापस से नहाने की तान में। और ये देखो पानी, आप झरना आवाज देखो, ये देखो चारों भाई नहा नहा रहे हैं मजे से, और ये ऊपर से आ रहा है झरना। तो दोस्तों हम देखो ऊपर तक लास्ट वहां तक जाकर के आ गए हैं ऊपर। और देखो ये वानर सेना यहाँ पर इस साइड भी लोग नहा रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा है, भगवान तेरे परिवार से दुआ करेगा नाथ बाबा।
तो भाई दोस्तों इस बार देखो हमारे साथ आए हैं ये सुंदर भाई आए हमारे, ये हमारे भाई साहब हैं, और ये धन्ना भाई है, और ये राहुल भाई है, और सागर भाई है। और अब इसके पास जा रहे हैं हम खाटू श्याम जी के। तो अब मिलेंगे आपसे खाटू श्याम जी के वहाँ दर्शन करने के लिए उस समय। तो भाई साहब देखो बहुत ही भयंकर जाम हो रखा है, कम से कम 5 किलोमीटर लंबा जाम चल रहा है। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हैं हम खाटू धाम। तो अभी चल रहे हैं हम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो जाम में कम से कम 4 घंटे लग गए हमको, तो 4 घंटे तक हम फंसे रहे जाम के अंदर। और रात के करीबन 11 बज चुके हैं अभी, और चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। जैसे जनता चलेगी वैसे चलेगी, ऐसे तो है नहीं, इसको देखते जाऊंगा। ये मोबाइल रख दी, मोबाइल रख दी।
तो दोस्तों देखो फिलहाल तो पहुंच गए हैं अभी घर पे, और देखो नींद भी बहुत तेज आ रही है, तो अब सोएंगे कुछ हल्के फुल्के चाय पी के। तो दोस्तों महाबलेश्वर जाने के लिए आपको जयपुर से 50 किलोमीटर दूर चौम्बू है, और फिर चौम्बू से सामोद रोड पे करीबन 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो वहाँ आपको महाबलेश्वर ये जो झरने वाला स्थान है वो दिखेगा, तो एक बार जाना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस व्लॉग का यही करूँगा एंड, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय दोस्तों।